ओके दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल के मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है, ठीक है, और उसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी हीट कर रहा है और उसकी हीट आगे तक भी यहाँ तक यानी कि छूने में हमें वार्म लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दो का उसके पीछे मैं आप लोग को रीज़न बता रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को प्लीज़ देखिए। तो दोस्तों देखिए, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर हीट होता है उसके कुछ मेन कारण मेन रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न, अगर आप लोग का पैनल जो है 5 एम्पियर 6 एम्पियर दे रहा है तो आप 10 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। मान लीजिए सोलर चार्ज कंट्रोलर आपने लगा रखा है 20 एम्पियर का और पैनल आपके 18 एम्प दे रहे हैं, 19 एम्पियर दे रहे हैं, तो भी सोलर चार्ज कंट्रोलर हीट करेगा। मीन्स हमेशा लिमिट में चीज़ों को लिमिट तक ही यूज़ करें, ठीक है, ओवर लिमिट मत जाने दीजिए। तो 5-6 एम्पियर पैनल से आ रहे हैं तो आप 10 एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और 8-9 एम्पियर आ रहे हैं तो आप 20 एम्पियर पर यानी 20 एम्पियर के चार्ज कंट्रोल पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, इससे लोड भी हमें सीमित लेना है, ठीक है, एक रेगुलेटेड 10 एम्पियर जैसे कंट्रोलर है, ठीक है ना, तो आउटपुट में आप इससे मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोग को 5 एम्पियर ले लीजिए, 6 एम्पियर ले लीजिए, ठीक है ना, उससे ज़्यादा मत इससे लोड लीजिए, ठीक है ना। 10 एम्पियर का ये सोलर चार्ज कंट्रोल है तो 6 एम्पियर ले लीजिए आप, बहुत लंबे समय तक 6 एम्पियर का करंट में इससे लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आगे यानी 7-8 एम्पियर लेंगे तो ये पहले वार्म होगा फिर धीरे धीरे हीट करेगा, ठीक है। अगला कारण, ठीक है, उससे अगला कारण ये है कि देखिए इसके पीछे जो मेटल लगा होता है ये हीट सिंक का काम करता है, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए दिखेगा तो नहीं, तो इसके पीछे मेटल लगा होता है, मेटल की शीट, ठीक है, उसी पर मॉसफेट चिपके होते हैं सिलिकॉन पेस्ट से, ठीक है ना, हीट सिंक कंपाउंड से हीट सिंक पेस्ट है, तो वो क्या होता है हमारी हीट सिंक की तरह काम करती है बैक प्लेट। लेकिन क्या होता है, अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये बिल्कुल भी हीट नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। कारण यही है कि एक तो इसमें 10 एम्पियर कई एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो मैक्सिमम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोग को, मैं 6 एम्पियर से ऊपर नहीं आने देता हूँ किसी भी कीमत पे, ठीक है, तो 6 एम्पियर से ऊपर इसमें इनपुट नहीं आएंगे तो हीट नहीं करेगा। दूसरा कारण, ठीक है, मान लीजिए और ज़्यादा मैं बड़ा पैनल लगाता हूँ जिससे 8 एम्पियर भी आ जाते हैं तो कभी भी सोलर चार्ज कंट्रोलर को एकदम से जहाँ भी आप लगाएं चिपका कर नहीं लगाना है आप लोग को, थोड़ा वेंटिलेशन यानी एयर फ्लो वहाँ होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं इसको सीधे वॉल पे भी माउंट कर सकता था, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन नहीं करा मैंने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप, मैंने यहाँ पर गैप रखा है, ये देख सकते हैं हम, ठीक है, तो इतना गैप है कि मेरे यहाँ से हाथ इस तरीके से निकल पा रहा है इजीली, ठीक है, तो इतना एयर गैप वेंटिलेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है, तो इससे आप पीछे से टच करके इसको देख भी सकते हैं कि हीट तो नहीं हो रहा, और हीट नहीं होगा और यहाँ पर वेंटिलेशन है, तो चिपका करके मत लगाइए सोलर चार्ज कंट्रोलर को, थोड़ा सा वेंटिलेशन भी दीजिए। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, लोड भी ले रहे हैं और इसके दोनों पोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बारी में एक पोर्ट का यूज़ करिए दोस्तों, ठीक है, 1.5 एम्प्स का ईच, 1.5 एम्प 5 वोल्ट के साथ एक पे है, यानी दोनों ये आप लोग को 3 एम्पियर देते हैं, तो एक बारी में एक पोर्ट का ही यूज़ करिए, या दोनों पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इससे आउटपुट में लोड मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद कि हमेशा इसको जहाँ भी आप लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए कि डायरेक्ट ये हमेशा कि धूप के यानी सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, थोड़ा सा इस पर शेड रख सकते हैं आप जिससे धूप की यानी इस पर हीट इफेक्ट ना आए, धूप का, सन का, सूरज इस पर डायरेक्टली ना पड़े, थोड़ा सा इसको आप अंडर किसी चीज़ के रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से है। ये मेन कारण है कि मेन रीज़न है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर हीट क्यों होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया कि क्यों हीट होता है, बाकी फर्दर आप टॉपिक पर मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।